बगहा पतिलार ग्राम कचहरी में 121वीं बैठक में 532 विवादित मामलों में 510 का निष्पादन। पतिलार ग्राम कचहरी में पहुंचे चौतरवा थानाध्यक्ष, 4 विवादित मामलों का निष्पादन, 53,200 रुपये की राजस्व वसूली सरपंच। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के पतिलार पंचायत के ग्राम कचहरी में रविवार को सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पतिलार ग्राम कचहरी के सरपंच लालमती देवी व सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव ने एक दर्जन भूमि विवाद मामलों की सुनवाई करते हुए 4 विवादित मामलों की पुलिस इंस्पेक्टर सह चौतरवा थानाध्यक्ष संजीत कुमार के नेतृत्व में निष्पादन किया गया। सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव ने बताया कि ग्राम कचहरी की 121 बैठकों में 532 भूमि विवाद मामले की आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें 510 मामलों की सुनवाई करते हुए निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि पतिलार ग्राम कचहरी में कुल 532 आवेदन प्राप्त है, जिसमें 22 मामले लंबित है तथा 510 विवादित मामलों की समाधान किया गया। सरपंच प्रतिनिधि जगन्नाथ यादव ने बताया कि ग्राम कचहरी की 121 बैठकों में 53,200 रुपये की राजस्व की वसूली की गई है। इस दौरान ग्राम कचहरी में दर्जनों की संख्या में फरियादी व दर्शक मौजूद रहे। ग्राम कचहरी में मौजूद फरियादियों को संबोधित करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सह चौतरवा थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने कहा कि छोटी छोटी विवादित मामलों को गवी स्तर पर सुलह समझौता करने से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानी नहीं होती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि ग्रामीण स्तर पर अपनी समस्या को सुलह समझौता करें, तभी आप खुशहाल व आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। इस अवसर पर उप सरपंच बबिता देवी, न्याय मित्र कुमार अतुल रंजन, सचिव उमेश दुबे, आप सचिव ललन राम, पंच नूर आलम खां, रामचंद्र साह, रघुबर चौधरी, सविता देवी समेत कई लोग शामिल रहे। न्यूज 9 टाइम्स। देखिए, सबसे निचली अदालत समझिए कि सरपंच का जो अभी पंचायती राज सरकार के द्वारा महात्मा गांधी का एकदम मेन थीम था पंचायत सरकार और पंचायत तक, वो यही सब देखने के लिए मिलता है, क्योंकि गांव का बहुत छोटा छोटा मैटर, आप थाना कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सुलह नहीं हो सकता है, दो लोग हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दो भाई हैं, दूसरे से बात नहीं करते, मनमुखा हो जाता है, दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, दोनों अपने अपने बहुत हद तक सही जगह पे रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा बीच प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे आप अपनी दिल की बात को रख सके और दूसरी अपनी बात रखे। दो विचार है जो न्यूट्रल से बिना बिना दो चीजों को सटे हुआ, एक जो सही है जो करना करके उसमें आप लोग को यह आगे नहीं जाना पड़ेगा, आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। जो लगता है कोई मामला में आपका एक पिता जी रहा है भी आप उसको लड़ रहे हैं, ये होना कुछ नहीं है। फिर लास्ट केस में भी कंप्रोमाइज आकर के वो